फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक मिनी डीजे बनाएंगे। मिनी डीजे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को इस हीट सिंक में फिट कर लेते हैं, क्योंकि जब ये ट्रांजिस्टर हीट होगा तो ये हीट सिंक इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब होने से बच जाएगा। देखिए, हमने हीट सिंक में इस ट्रांजिस्टर को फिट कर दिया। इसके बाद अब हम इसमें 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर की फर्स्ट और सेकंड पिन पर हम इस 1 किलो ओम के रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। तो जल्दी से हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं और इसमें 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, हमने इसमें रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें इस कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। जहाँ पर ये पट्टी वाला निशान है, ये हमारा नेगेटिव है और दूसरी साइड वाला पॉजिटिव। तो हम कैपेसिटर के पॉजिटिव लेग को ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन में कनेक्ट करेंगे। तो जल्दी से हम इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने इसमें कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम इस ऑक्स केबल के वायरों को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये ब्राउन वायर को कनेक्ट करना होगा। इसमें जो ये ब्राउन कलर का वायर है, ये हमारा ग्राउंड का होता है और हम इसको ट्रांजिस्टर के तीसरे पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो जल्दी से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, कनेक्ट करने के बाद हमारे पास दो वायर बच जाती हैं। ये दो वायर लेफ़्ट और राइट स्पीकर की होती हैं, पर हमारा डीजे मिनी मोनो डीजे है, तो इसलिए हम इन दोनों वायरों को आपस में जोड़कर इसे कैपेसिटर की नेगेटिव पिन में कनेक्ट कर देंगे। जल्दी से हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं और इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने इस कैपेसिटर की नेगेटिव पिन में भी ऑक्स केबल के वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम एक ब्लैक वायर लेंगे और इसको ट्रांजिस्टर के तीसरी पिन पर कनेक्ट कर देंगे। ये ब्लैक वायर हमारा सप्लाई के लिए नेगेटिव वायर है। देखिए, हमने इस वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद अब हम एक और ब्लैक वायर लेंगे और ट्रांजिस्टर की मिड वाली पिन में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए, हमने इस वायर को ट्रांजिस्टर के मिड वाली पिन में कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक 4 इंची का स्पीकर लेंगे। देखिए, ये हमारा 4 इंची का स्पीकर है। चलिए, जल्दी से हम स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रांजिस्टर की मिड वाली पिन है, जहाँ पर हमने वायर कनेक्ट किया था, उसको हम स्पीकर के नेगेटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो जल्दी से हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, हमने इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। जो हमारी मिड वाली पिन है, उसको हम स्पीकर के नेगेटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक रेड वायर लेंगे और उसे स्पीकर के पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा ये रेड वायर है, ये सप्लाई के लिए वायर है, इसमें हम सप्लाई देंगे। देखिए, हमने इस वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। जो हमारा ये रेड वायर है और जो ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन पर लगा हुआ वायर है, ये हमारे सप्लाई के वायर है। जो ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन पर लगा हुआ है, ये नेगेटिव वायर है, और जो स्पीकर के पॉजिटिव पॉइंट पर लगा हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो जल्दी से हम इसमें सप्लाई देते हैं और इसे चेक करते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, आप चार्जर से भी 12 वोल्ट के चार्जर से भी यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं। तो जल्दी से हम पॉजिटिव में पॉजिटिव वायर और नेगेटिव में नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने इन वायरों को कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसको चला के देखते हैं। देखिए, हमारा स्पीकर ऑन हो गया है। अब हम इसकी ऑक्स केबल को फ़ोन में कनेक्ट कर लेते हैं और कोई गाना या म्यूजिक चला के देखते हैं।